अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। यार पता ही नहीं चला हम कब सीनियर हो गए। हमने ना सोचा था कि जब हम सीनियर हो जाएंगे ना तो बड़े मज़े होंगे, अपनी मर्ज़ी से यूनिवर्सिटी आएंगे, आगे तो क्लास में आगे नहीं तो ना सही। लेकिन अब पता चल रहा है भाई जी, सीनियर होने के बाद किस तरह फटती है। मजाक नहीं कर रहा मैं, सही बात बता रहा हूँ यार। देखें छुट्टियाँ हैं, सब लोग अपने अपने घर हैं, हम प्रोजेक्ट के हवाले से यूनिवर्सिटी में धक्के खा रहे हैं। अब प्रोजेक्ट भी तो करना है ना भाई, इसीलिए यूनिवर्सिटी आए हैं। आज आए हैं, आप लोगों को दिखाते हैं, यूनिवर्सिटी का माहौल भी दिखाते हैं और प्रोजेक्ट के हवाले से थोड़ा सा बताते हैं। सोलर पे गलती से प्रोजेक्ट उठा लिया मैंने, पता नहीं हो तो खैर जाएगा। ये तो नहीं कि छोड़ जिस जो चीज़ पकड़ लें उसे छोड़ते तो खैर हम नहीं हैं। तो अभी देखते हैं उसके मटीरियल शटीरियल ढूंढते हैं, उसकी जो भी चीज़ें हैं। खैर अभी तक तो कुछ नहीं पता, सिर्फ पेपर ही पढ़े, जितना पेपर पढ़ा उतना पता है। लेकिन अभी प्रैक्टिकली जो एक्सपेरिमेंटली करना है ना लैब में, वो अब करेंगे 2-4-5 दिनों के अंदर अंदर। लेकिन ये गुजर जाए ना ये हमारा, ये जो इलेक्शन आ रहे हैं तो इलेक्शन के बाद स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि हम उसका वेट कर रही थी। इतनी देर में ना हम मटेरियल शटीरियल सारा कुछ इकट्ठा कर लेंगे। यार आप लोगों को पता था ये हमारी 12 दरी है जहाँ पर पूरी यूनिवर्सिटी का फोटो सेशन होता है, और सबसे ज़्यादा वक्त ना जो हमने गुजारा है वो यहाँ पे गुजारा है। इन 4 सालों में सबसे ज़्यादा वक्त इधर गुजारा है या कैफ़े गुजारा है। क्लासेस में तो हम अल्हम्दुलिल्लाह से सिर्फ टाइम पे जाते थे, टाइम पे बाहर आ जाते थे, कभी ब्लॉक के अंदर नहीं बैठे, कभी 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 बैठ जाते थे तो बैठ जाते। लेकिन सबसे ज़्यादा जो वक्त गुजरा है ना हमारा इन 4 सालों में, वो इस जगह पर गुजरा है, यहाँ पर बैठ के। अब तो इन्होंने ये फूल छूल लगा दिए इधर, यहाँ पर बैठ के या यहाँ पर बैठ के, यहाँ पर बैठ के यही गुजरा है, सारा का सारा वक्त यही गुजरा है। गर्मियों में भी और सर्दियों में भी, गर्मियों में भी हम इधर ही आके बैठते थे ये इसके नीचे, और सर्दियों में तो माशाल्लाह सामने से सूरज पड़ रहा है तो बैठना ही हमने इधर होता था। तो यार हमारा जो मटेरियल था ना वो डिसाइड हो गया है, टिन सल्फेट पे काम करना है हमने। ठीक है, पहले हम कर रहे थे हाइड्रोथर्मल से, लेकिन अब हम वेट केमिकल से करेंगे। तो नेक्स्ट मंडे को हमने आना, अभी जो मंडे आ रही है ना इसको हम आएँगे, तो आके अपना जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह लैब में। तो आप लोगों ना हम चलते हैं, लेके चलते हैं लैब में। ओह सॉरी, लैब में नहीं, हम आपको लेके चलते हैं जी कैफ़े, और कैफ़े वालों की आप लोगों को 2 नंबरी हम आज दिखाएंगे। 2 नंबरी किस तरह से यार, हम जब यूनिवर्सिटी ओपन होती है ना तब ये किस तरह से खाना प्रोवाइड करते हैं कैफ़े में, और अब एडमिशन ओपन है, जाहिर सी बात है न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनके वालदैन आ रहे हैं, तो अभी आप लोगों को हम दिखा रहे हैं कि अब वो किस तरह से कैफ़े में लोगों को खाना दे रहे हैं। आए बल्कि हम आपको लाइव दिखाएंगे आज सारा कुछ ही दिखाएंगे आज हम। यार जैसे कि हमने आप लोगों को बताया था कि हम कैफ़े जाके आप लोगों को दिखाएंगे कि अब किस तरह से प्रोटोकॉल दे रहे हैं, और जब आम रूटीन में यूनिवर्सिटी चल रही होती है ना तब ये क्या करते हैं। ये देखें, ये पत्थर की आज इन्होंने प्लेट में हमें चावल ला के दिए, पत्थर की प्लेट में, और पहले प्लास्टिक की नहीं, और प्लास्टिक की भी नहीं होती भाई, शॉपर नहीं होता, शॉपर की बिल्कुल ब्रीक सी प्लेट में ये सामान देते हैं इधर। और आज देखें ये ग्लास, शीशे का ग्लास है, बाकी शीशे का, और आगे पीछे भाई ये देते ही नहीं है, पानी नहीं देते इधर, पानी हमें ख़रीदना पड़ता है या फिर हम अपनी बोतल लेके आते हैं, इसलिए कि हमें यहाँ से 60 रुपये की बोतल ना ख़रीदनी पड़े, वहाँ से फ़िल्टर से अपना पानी भर के ला के और उसके अंदर खा के हम चले जाते हैं। लेकिन आज तो भाई ये देखें, शीशे का ग्लास है, पत्थर की प्लेट है, चावल की प्लेट भी फुल भरी हुई है। ये सारा पता क्यों हो रहा है, क्योंकि अब चल रहे हैं एडमिशन, कि वालदैन आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, वो इंप्रेस कर रहे हैं उनको ये, लेकिन बाद में जब आ जाएंगे ना तब पता चलेगा। वही कहानी है ना, दिखाते हैं हमें पत्थर है और देते हैं हमें ये प्लास्टिक है, सेम वही सूरत हाल है। यार ये ना हमारा स्पोर्ट कम्प्लेक्स है, जहाँ से ना हमें बैट वगैरह, अगर कार्ड स्टूडेंट कार्ड जमा करवाएं ना हम इनको, तो ये हमें बैट दे देते हैं, चिड़ी छक्का भी दे देते हैं, फुटबॉल भी दे देते हैं, जो भी स्पोर्ट्स की चीज़ें ना वो दे देते हैं। आज 4 सालों में ना, ये 4th-4th साल जा रहा है, आज पहली दफ़ा मैं आया हूँ, ज़रा देखते हैं कि देते हैं कि नहीं देते ये मुझे। और मुझे तो लग रहा है ये बंद है, लॉक लगा हुआ है। आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं इधर से लेने आया कोई चीज़ और आज इसको लॉक लगा हुआ है, क्योंकि असल में स्टूडेंट आ नहीं रहे तो शायद इस वजह से वो भी ना आए। मैंने आप लोगों को बताया था कि कैफ़े का हाल और अहवाल, तो उसके बाद ना मैं स्टूडेंट सर्विस बैठा हुआ था, कोई 15 मिनट बैठा हूँ वहाँ पर, स्टूडेंट को इस तरह से डील कर रहे थे जैसे ये इनके अपने बच्चे हैं, शायद ये अपने बच्चों को भी ऐसे डील ना करते हों। उनको बता रहे हैं कि आप ऐसे करें ऐसे करें, अगर आप उस एक ना बच्ची का एडमिशन नहीं हुआ तो उसको आगे वेबसाइट निकाल के दिए यूटी यूनिवर्सिटी की, बताया कि इसका इस दिन को टेस्ट है, इस दिन टेस्ट कर लेना, और उसको बताया कि ये सिलेबस होगा उसका A to Z बता रहे हैं, और अगर एडमिशन हो जाता है ना
उसके बाद यकीन करिए पूछते भी नहीं है, अगर इनके ऑफिस में जाने कहते थोड़ी देर बाद आना थोड़ी देर बाद आना। और फीस का अब ये मेले कर रहे हैं, मैसेज भी करते हैं सिम पे भी, और अगर एडमिशन हो गया ना एडमिशन के बाद इन्होंने ना कोई आपकी मेल देखनी है ना कोई मैसेज करना है, आप लोगों को खुद जाना पड़ता है ऑफिस में कि भाई हमारा ये काम कर दें ये काम कर दें। उसके बाद भी नहीं होते आधे से काम, तो जाने के बाद भी नहीं होते बड़ी। अभी ना हमने वो फीस के ना इंस्टॉलमेंट करवानी थी, यकीन करें पूरे 8 दिन इन्होंने जलील किया है, और अब इनको एक मैसेज करके देख लें आप फौरी रिप्लाई करेंगे, फौरी तौर पर रिप्लाई करेंगे आप लोगों को। तो ये बदलाव आता है पहले और बाद वाला। तो जी फाइनली यूनिवर्सिटी के दो चेहरे देख के वापस पहुँचे हैं घर अपने। यूनिवर्सिटी के दो चेहरे हमने आप लोगों को दिखाई दिए हैं कि जब आम रूटीन में यूनिवर्सिटी चल रही थी तब क्या सीन होता है और अब क्या सीन है। तो जी इंशाल्लाह कल जाएंगे, कल का फिर माहौल आप लोगों को हम यूनिवर्सिटी में दिखाएंगे क्या सूरत हाल है। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।